और सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगह पर सर्वे कराया और आंतरिक रिपोर्ट जो कांग्रेस की आई है उसके मुताबिक दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार के सदस्यों के चुनाव लड़ाने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर, इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। न्यूज 18 इंडिया के अरुण सिंह इस वक्त जुड़े हैं। अरुण, ये आंतरिक सर्वे क्या कह रहा है और क्या आप दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार का कोई शख्स इस सर्वे के बाद उतर सकता है, संभावना बड़ी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने की संभावना प्रबल हो गई है, क्योंकि पहले ही ये तय था कि 26 तारीख को वायनाड, जहां से वो केरल की लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वोटिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद फैसला होगा कि अमेठी राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन पार्टी के आंतरिक सर्वे और पार्टी के आंतरिक बैठकों में राहुल गांधी ने इस बात के सकारात्मक संकेत दिए हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यानी अमेठी से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है, अगर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई तो। क्योंकि गांधी परिवार के दोनों सदस्यों को लड़ाने की बात जो आंतरिक सर्वे वो कहता है, तो अब नजरें प्रियंका गांधी पर है कि क्या रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगी। इस बाबत तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। ठीक है, तो प्रियंका गांधी भी क्या चुनावी मैदान में उतरेंगी, रायबरेली का रुख करेंगी या नहीं? लेकिन अरुण जैसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी का तो अमेठी से चुनाव लड़ना लगभग लगभग तय है। और अगर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी का रोड शो चल रहा है, रोड शो में भारी भीड़ भी इस वक्त दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपके सामने है, योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हुए गाड़ी पर वो सवार है। आप नीचे देखिए कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। भीषण गर्मी और इसके बाद भी चित्तौड़ में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में उतरे हुए हैं। वहां के जो आम लोग हैं वो सड़क पर उतरे, बीजेपी का झंडा हाथ में उठाए आपको दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, और ऐसे में देश के अलग अलग इलाकों में जाकर के वो पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रोड शो चल रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए। और जाहिर सी बात है, देखिए राजस्थान में तो रिकॉर्ड यही है, 25 सीट है, 25 की 25 बीजेपी की, वही रिकॉर्ड दोहराना है इस चुनाव में भी, इसीलिए ये भारी प्रचार। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। चुनावी शनिवार में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा वार, कहा वायनाड में हार के संकट के बाद अब अमेठी की तरह वायनाड भी छोड़ेंगे कांग्रेस के शहजादे। अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर संजय राउत के विवादास्पद बयान पर मचा बवाल, संजय राउत ने नवनीत राणा को कहा डांसर, तो बीजेपी नेता ने दिया जवाब। ये लड़ाई बलवंत वानखेड़े डांसर से नहीं है, ये लड़ाई मोदी विरुद्ध महाराष्ट्र है, लक्ष्य दिया। मेरी इज्जत सिर्फ नवनीत राणा अकेले लेके नहीं, इस क्षेत्र की हर एक महिला की इज्जत मेरे साथ बंधी होती है। कर्नाटक के उबली में बेटी के हत्या मामले में अपनी ही सरकार पर बढ़ के कांग्रेस नेता निरंजन, राज्य के गृह मंत्री के बयान पर कहा मेरी बेटी को बदनाम ना करे सरकार। पंजाब की संगरूर जेल में कैदियों के बीच आपसी झड़प, दो कैदियों की मौत, दो कैदी गंभीर रूप से जख्मी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।